हेलो हेलो गाइस गुड आफ्टरनून स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिवा गर्मी के इस प्लेटफॉर्म पर क्या ये ऋषि सर की क्लास है नहीं बेटा ऋषि सर की क्लास रात को नौ बजे है हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में 2014-2019 जो दो बार उनका भी हाल ही में पेपर हुआ है गत वर्षों में उनके साइंस स्पेशल क्लास है आज रात को जो उनकी थोड़ी क्लास लंबी जाएगी वो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अमन अच्छा निहार का मैजिक वॉइस बी के सुगंधा विक्कू नमस्कार बेटे नजमा बानो हेलो बेटा अनुशिका सिंह जी गुड आफ्टरनून चलो मेरी क्लास है बेटा विक्कू बेटा रेडी ओके अच्छा विक्कू रेडी अच्छा यू आर रेडी हाँ हाँ तभी बोलो हमारा वो रेडी बच्चा कहाँ गया आकांक्षा कुशवा हेलो बेटा अच्छा कोई नहीं वो तो बेटा उनका सूरमा बैठा है ना साइंस स्पेशल उसका एक छोटा सा ऐड था बच्चे तो आज ये साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका की क्लास है और कंप्लीट साउथ अमेरिका करेंगे आज एक ही क्लास में चाहे कितना भी टाइम लग जाए कंप्लीट पूरा संपूर्ण साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका को आज ही फिनिश या फिर ख़त्म करेंगे हम किसी भी कीमत पर बड़े तेजेश कोई बात नहीं तो चलिए साउथ अमेरिका की शुरुआत करते हैं डालिए हेडिंग है इंग्लिश लिटरेचर बेटा दीवाडिंग बेटा जीएस स्पेशल है और अगर अदर सब्जेक्ट भी हम करते हैं तो स्टेट पी सी एस एनडीए सी डी एस मतलब इन सब को देख के टीचिंग एग्जाम्स के लिए टारगेट नहीं करते टीचिंग एग्जाम्स के लिए तो आपको पता ही होगा कि अपना एक और प्लेटफॉर्म है अध्ययन मंत्रा वहाँ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास होती है तिवारी सर लेते हैं बहुत अच्छा बेटे इंग्लिश लिटरेचर वो मतलब पढ़ाते हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं उनके बैच के लिए आप बेटे अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप है आप उसे मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं आई एम फाइन बेटा भाई साहब बहुत बढ़िया बेटा चलो साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका हेलो हेडिंग तो साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें जान लेते हैं जो अभी तक नहीं पता हैं आप जैसे महानुभावों को आराम से पढ़ेंगे कम से कम टाइम वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करेंगे यानी कि ज्ञान प्राप्त करेंगे बेटे हम लोग देखो ये साउथ अमेरिका का पूरा मैप है आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से दिखा देता हूँ देखो ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका है दक्षिणी अमरीका है ये साउथ अमेरिका है दक्षिणी अमरीका है ठीक है हाँ ये साउथ अमेरिका है दक्षिणी अमरीका का पूरा मैप है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट नाम तो खैर सुना ही होगा देखो तो ये साउथ अमेरिका पूरा दिख रहा है साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग अलग मैप है बहुत कुछ करेंगे आज पूरा करेंगे फिनिश साउथ अमेरिका तो ये जो मैप है शुरुआती साउथ अमेरिका का सबसे पहले तो आप इसमें लिख लें ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है आज तो राइनो भी आ गया कौन है राइनो राजू बटे नमस्कार सिमी प्रणाम बेटा पारोल गुड आफ्टरनून हाँ कल बेटा पारुल तेरे ऊपर फॉर्मूला बताया था बेटा हम लोगों ने देखियो बेटा कल की क्लास एस सी एस जो पॉलिटी वाली क्लास हुई थी यस अरमान दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर ओ ए आर ओ यू पी पी सी एस स्टेट पी सी एस एनी स्टेट पी सी एस एग्जाम्स यू पी एस सी एग्जाम्स डिफेंस एग्जाम्स हाँ फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है चौथा यानी विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है तो पहले स्थान पे एशिया था फिर अफ्रीका था ठीक है ना फिर आपका बेटे नॉर्थ अमेरिका था ये अब साउथ अमेरिका है साउथ अमेरिका की अगर आपको लोकेशन देखनी हो कि साउथ अमेरिका के आसपास कौन है कहाँ कौन है तो साउथ अमेरिका की अगर लोकेशन बेटे देखनी हो तो ये साउथ अमेरिका पूरा <laughs> हाँ तो देखो साउथ अमेरिका की लोकेशन देखनी हो तो साउथ अमेरिका के ऊपर ये कैरेबियन सी है यानी कि दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में कैरेबियाई सागर है कैरेबियन सी है ये पैसिफिक ओशियन है साउथ अमेरिका के वेस्ट में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है पैसिफिक ओशियन है ये यहाँ एटलांटिक ओशियन है अटलांटिक महासागर है और ये नीचे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट या अंटार्कट का नामक महादीप राजू जी एच के लिए मंडे टू फ्राइडे रात को 10 बजे एक अलग से बेटे सीरीज स्टार्ट की है आप उसे बेटे फॉलो करें और एच सी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है ठीक है और यूपीपीएससी एंशियंट हिस्ट्री के नाम से भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप प्लेलिस्ट अवश्य मतलब फॉलो करें वहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा थैंक यू अरमान ठीक है तो साउथ अमेरिका के ऊपर कैरेबिया वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन समुद्री लुटेरे अंटार्कटिका अब बात आती है साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को कौन अलग करता है तो यहां पर है ड्रैक पैसेज लिख लो ये पहला ही क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है आगे भी आता रहेगा लिख लेना ड्रैक पैसेज सेपरेट साउथ अमेरिका फ्रॉम अंटार्कटिका शुक्रिया मैजिक वाइज दक्षिणी अमेरिका ये जो साउथ अमेरिका है साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करता है ड्रैग पैसेज पैसेज को शुद्ध हिंदी में कहते हैं जलमार्ग यानी कि ड्रैक जलमार्ग अलग करता है दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से ठीक है चलो अच्छा इसी मैप में हम जरा ध्यान दें इसी मैप में जरा हम ध्यान दें साउथ अमेरिका इज द पार्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका दक्षिणी अमेरिका लैटिन अमेरिका का भाग है तो पूछा जाता है लैटिन अमेरिका में कौन कौन से रीजन कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपने कई बार देखा होगा ये लैटिन भाषा का शब्द है ये लैटिन का शब्द है तो लैटिन अमेरिका में तीन क्षेत्र आते हैं याद रखना लैटिन अमेरिका में तीन क्षेत्र आते हैं तीन क्षेत्र कौन कौन से एक तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है दक्षिणी अमरीकी महाद्वीप आता है सेंट्रल अमेरिका ये मध्य अमेरिका के देश आते हैं सेंट्रल अमेरिका मध्य अमेरिका के देश आते हैं और ये वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज आता है लिख लो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन मतलब पूछा जाए कि लैटिन अमेरिका लैटिन अमेरिका किसे कहा जाता है तो इन तीन क्षेत्रों को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं सेंट्रल अमेरिका वेस्ट इंडीज और साउथ साउथ अमेरिका शुक्रिया राजू अच्छा लाइव थी बेटे पारो लेकिन तूने पता है नहीं कि सर मैं भी लाइव हूं कल नहीं करा बेटा तूने कमेंट है बहुत नाइंसाफी है तो लेटिन अमेरिका अगर कोई पूछे तो बता देना देखो ये वेस्ट इंडीज पता तो थे आईलैंड जमे का है डोमिनिकन रिपब्लिक ठीक है तो ये सब क्यूबा सब मिलके वेस्ट इंडीज सेंट्रल अमेरिका में ग्वाटेमाला माला एल सेल्वाडोर निकारग कोस्टोर का पैनामा हॉन्डोरा बेलिज ये सब मिला के बेटे क्या बोला चाहता है आपका ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट तो हम पढ़ी रहे हैं ब्राजील तो अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं तो एक बार जरा मैप में इसकी लोकेशन भी आप जरा अच्छे से मतलब देखना अगर हम ऊपर से नीचे की ओर मतलब आएंगे तो कौन कौन से देश हमें यहां मिलेंगे ठीक है तो देखो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ध्यान देना ये देश है वेनेजला अभी धीरे धीरे सब आएंगे वेनेजला ये है कोलंबिया ये इक्वाडोर है ये पेरू ये सबसे बड़ा जो देश दिखाई दे रहा है ना ये ब्राजील ये बोलीविया परागुए उरुगुए चिली अर्जेंटीना तो ये इन देशों को मिलाकर ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या दक्षिणी अमरीकी महाद्वीप बना है। नमस्ते बेटे शिक्षा यादव बेटे आशीर्वाद साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है सबसे बड़ा देश कौन सा है सबसे बड़ा देश तो ब्राजील ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है एंड अर्जेंटीना इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है सम ऑफ योर वीडियोज आई एम नॉट एबल टू फाइंड बताओ बेटा कौन सी वीडियो नहीं मिल रही है आपको अरमान सुगंधा को ये वाली बात बड़े अच्छे से याद होगी कि सर वेनेज्ला की लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं बिल्कुल ठीक है ध्यान रखना तो हम किसी भी कॉन्टिनेंट में सबसे पहले करते हैं रिवर्स तो डालो बेटे हेडिंग रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की नदियां रिवर्स और सबसे पहली रिवर्स आप बेटे हेडिंग ठालना सबसे पहली रिवर या सबसे पहली नदी अमेजॉन अमेजोन रिवरिया एमेजॉन नदी एमेजॉन रिवरिया एमेजॉन नदी तो साउथ अमेरिका की इम्पोर्टेंट रिवर्स महत्वपूर्ण नदियों में सबसे पहले आप लिखें अमेजॉन ये नदी अमेजॉन है ये नदी अमेजन है पेरू नामक देश से निकलती है इट औरजिनेट्स फ्रॉम पेरू तो तो ये देश पेरू है पेरू से ये निकलती है और ब्राजील से होते हुए ये यहाँ एटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर में जाकर अमेजोन रिवर पानी छोड़ देती है यानी अमेजॉन रिवर अमेजन जो नदी है उसका आउटफ्लो उसका मुहाना कहाँ पर है इसका बेटे मुहाना एटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर में है नोट्स बनाना साथ साथ अगर साथ साथ नोट करोगे मैंने पहले ही बताया था स्ट्रेटेजी वाली क्लास में आप कोई भी क्लास मतलब देखो लेकिन नोट्स अपने आप अवश्य मतलब बनाओ अच्छा और बात अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ world. अमेजोन विश्व की सबसे बड़ी नदी है एंड अमेजोन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ world. लेकिन यह विश्व में दूसरी सबसे लंबी नदी है तो एरिया में सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी है वाटर वॉल्यूम में सबसे बड़ी है और लंबाई में यह दूसरी सबसे बड़ी है ठीक ओके अभी स्टार्ट हुआ है नहीं बेटा तीन बज के ठीक पांच मिनट में बच्ची क्लास स्टार्ट हो गई थी लेट होती होती बेटा मेरी क्लास टाइम से शुरू ठीक है, है? अच्छा कहा नदी के क्षेत्र में लिख लो इन द एरिया ऑफ एमेजोन रिवर अमेजन नदी के क्षेत्र में इन द एरिया ऑफ एमेजॉन रिवर अमेजन नदी के क्षेत्र में सेलोवास ग्रासलैंड इज फाउंड सेलोवास नामक घास की भूमि पाई जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें ये लेक्चर नंबर 20 है उन्नीस इससे पहले आपको मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से देखना वह पूरा मिल जाएगा कंप्लीटली लाइफ टाइम ये वीडियो रहेंगी ओपन रहेंगी फ्री रहेंगे ठीक है अगर मैं अपडेट करना होगा तो आपको समय से बता दिया जाएगा और जैसे ही अमेज uh, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की थ्योरी वाली क्लास खत्म हो जाएगी वैसे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की फिर एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए ठीक है तो सेलवास घास की भूमि कहा है साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका में भी कहा है ब्राजील में है अच्छा सेलवास घास की भूमियों में ही अमेजोन फॉरेस्ट है इन दिस ग्रासलैंड इस घास की भूमि में अमेजोन फॉरेस्ट इज लोकेटेड या सिचुएटेड अमेजोन नामक वन स्थित है अमेजोन फॉरेस्ट अमेजोन वन अमेजन जंगल ठीक है लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन दी वर्ल्ड ये विश्व के सबसे बड़े वन हैं और इन्हें लंग्स कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ लिख लो पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ द अर्थ पृथ्वी के फेफड़े क्योंकि पूरे विश्व में इन ऑल ओवर द अर्थ वर्ल्ड अगर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसी एक पर्टिकुलर स्थान से निकलती है दैट इज द दमेजोन फॉरेस्ट अमेजन के जंगल अच्छा अमेजोन के जंगल अगर बेटे हम लोग बात करें इन्हीं जंगलों में एनाकोंडा पाया जाता है एनाकोंडा पाइथन एनाकोंडा नामक अजगर एनाकोंडा पाइथन एनाकोंडा नामक अजगर इन क्लासेस को अच्छे से करो तभी जाके बेटे वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यू में आएगा मजा हालांकि मैं मैं वहां पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से फनाऊंगा कि आपकी थोड़ी बहुत बिजली थी अपमानो लेकिन आप कोशिश करना कि मैं आपके ऊपर जो भी फेंकू बम आप उसे कर दो डिफ्यूज ठीक है हाँ तो अमेजोन से ये क्वेश्चन आपके मतलब बनेंगे अच्छा अमेजोन से एक और क्वेश्चन बनेगा ये जो अमेजोन के फॉरेस्ट है ना जो सेलवास की जो घास की भूमिया है ना इसमें वर्ल्ड्स लाइटेस्ट वुड पाई जाती है विश्व की सबसे हल्की लकड़ी लड़की नहीं हल्की लड़की नहीं हल्की लकड़ी वर्ल्ड्स लाइटेस्ट वुड विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वर्ल्ड्स लाइटेस्ट वुड कौन सी है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बालसा 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 इज द लाइटेस्ट वुड ऑफ वर्ल्ड विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है बालसा हिस्ट्री में जो पढ़ा रहे थे तो बेटा कल जो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे वो बेटा यूपीएससी पीसीएस लेवल तक का था और वहां इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अगर देखो अगर वहां के क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे तो धीरे धीरे सीरीज को फॉलो करो सारी क्रह करो अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे काफी बच्चों को वो क्वेश्चन कल आसान भी लग रहे होंगे ठीक है बेटा सुगंधा हाँ अगली रिवर अगली अगली नदी अगली रिवर अगली नदी, नदी। एमेजोन के बाद साउथ अमेरिका की अगली रिवर अगली नदी ये देखो बड़ा सा देखो इस मैप में अगली रिवर अगली नदी ओरिनोको ओरिनोको रिवर या ओरिनोको नदी ऑरिनोको रिवर या ऑरिनोको नदी ओरिनोको ओरिनोको ये रिवर के ब्रैकेट में लिख देना अपने नोट्स में वेनेजोला ये नदी कौन से देश में बहती है तो ये वेनेजोला में बहती है अफरीन सिद्दीकी जी गुड इवनिंग प्रतिभा यादव गुड आफ्टरनून वेनेजोला में बहती है वेनेजोला नामक देश में तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है पूरा ये यह है जहां की लड़कियां बहुत खूबसूरत है मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड ज्यादातर इसी देश की होती हैं ठीक है अच्छा इस ओरिनोको नदी की दो खास बातें एक तो आप मतलब लो इन द एरिया ऑफ ओरिनोको रिवर ओरिनोको नदी के क्षेत्र में इन द एरिया ऑफ ओरिनोको रिवर ओरिनोको नदी के क्षेत्र में ओरिनोको नदी के क्षेत्र में लानोस नामक घास की भूमि पाई जाती है लानोस ग्रासलैंड इज सिचुएटेड लानोस नामक घास की भूमि पाई जाती है लानोस ग्रासलैंड इज सिचुएटेड लिख लो लानोस डबल एल वो तो लानोस नामक घास की भूमि कहा है वेनेजुला नामक देश में है सेलवास कहा है ब्राजील में है यही तो बेटे जोग्राफी में आपको लोकेशन याद रखनी होती है समझ में आया कुल मिलाकर सात से आठ फेमस घास की भूमिया है वही एग्जाम में घुमा बेटे घुमा फिरा के पूछी जाती है जैसे नॉर्थ अमेरिका में हमने की थी प्रेरीज है ना अफ्रीका टुंड्रा नॉर्थ अमेरिका में अफ्रीका में सवाना सहेल वेल्ड ये सब हमने बेटे वहां पर मतलब किए थे यूरोप में कौन सी की थी स्टेपी ऐसे अब यहाँ देखो सेल्वास और लानोस अच्छा ओरिनोको नदी के ऊपर लिख लो ऑन ऑन दिस ओरिनोको रिवर औरी नो को नदी के ऊपर नो को नदी के ऊपर एंजल वाटरफॉल इज सिचुएटेड एंजल नामक पानी का झरना स्थित है एंजल वॉटरफॉल इज सिचुएटेड एंजल नामक पानी का झरना स्थित है एंजल फॉल वेनेसुला हाइएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड लिख लो विश्व का सबसे ऊंचा पानी का झरना है ये हाइएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड थैंक यू बेटे अरमान हाइएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड विश्व का सबसे ऊंचा पानी का झरना है ये मिल जाएगा बेटा अंजलि जी आप ये नीचे दिए गए नंबर पर बेटे फोन कर लेना हाइएस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड सबसे ऊंचा पानी का झरना स्थित है हाइएस्ट वाटरफॉल सबसे ऊंचा पानी का झरना 979 मीटर हाइट है नौ मीटर 979 मीटर हाइट है नौ मीटर नौ सौ उन्यासी मीटर इसकी हाइट या फिर इसकी ऊंचाई है हाइट या फिर इसकी ऊंचाई है नौ सौ उन्यासी मीटर नौ सौ उन्यासी मीटर थ्योरी क्लास में आप कितने स्वीट लगते हैं लाइक रसगुल्ला बट इन एम सी क्यू सीरीज यू लाइक अ शाकाल <laughs> थ्योरी क्लास में बेटा ये मुझ सब कुछ मुझे करना है मतलब मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है और आपको बताना नहीं है चोरी वाली ये जो क्लास है मेरी आपसे कोई उम्मीदें नहीं है कि आप रिस्पॉन्स करोगे असबलू खान जी वालेकुम असलम ठीक है लेकिन एम सी क्यू में क्या है कि जो बातें मैंने बता दी होती है जब आप वहाँ पर रॉन्ग करते हो तो पता नहीं मैं पागल हो जाता हूँ मतलब मेरा ना गुस्सा बहुत आ जाता है अंदर क्या बताओ मैं इतनी मतलब मेहनत कर रहा हूँ ये बच्चे मुझे हल्के में ले रहे हैं तो लगभग एक किलोमीटर के आसपास ये बेटे एंजल वाटरफॉल ऊँचा है विश्व का सबसे ऊँचा पानी का झरना है ये ठीक है अच्छा एक रिवर और है बस ये एक रिवर और कर लो अच्छे से पराना परवाना मत कर देना पराना रिवर पराना रिवर पराना नदी पराना पराना रिवर पराना नदी पराना रिवर पराना नदी पराना रिवर पराना नदी पराना ठीक है लेकिन दिस रिवर क्लोज इन ब्राजील प्लस परागुए प्लस अर्जेंटीना ये नदी ब्राजील परागुए अर्जेंटीना नामक देश में बहती है तो ब्राजील परागुए अर्जेंटीना ब्राजील परागुए अर्जेंटीना नामक देश में बहती है ब्राजील परागुए थैंक यू बेटा सिम्मी बस बेटे आप ही लोगों के लिए तो क्लास लेने का मन करता है ठीक है तो तीन देशों में बहती है ब्राज़ील पराग्वे अर्जेंटीना एक जरा मैप उठाते हैं कोई शानदार सा जिसमें और मज़ा आएगा देखो तो इसमें आएगा मज़ा ये यहाँ से निकलती है नदी ऐसे बहकर ऐसे बहकर ऐसे बहकर ऐसे ये यहाँ पर आकर पानी छोड़ देती है एटलांटिक ओशियन एटलांटिक महासागर अच्छा आपको एक राज की बात बताऊं साउथ अमेरिका की जितनी भी रिवर है दक्षिणी अमेरिका की जितनी भी नदी है ऑल फ्लो इन एटलांटिक ओशियन सबका मुहाना सबका आउटफ्लो एटलांटिक ओशियन अंत है महासागर यह अटलांटिक महासागर में ही स्थित है सभी रिवर्स का सभी नदियों का जितनी भी साउथ अमेरिका की रिवर है उन सभी का मुहाना वो सब अपना पानी आकर यहीं छोड़ती हैं तो एक बात ये याद कर लो अच्छा अब इसी नदी के ऊपर इसी नदी के ऊपर अगर हम बात करें लिख लो पराना रिवर के ऊपर पराना नदी के ऊपर इगुआजू वाटरफॉल इज सिचुएटेड इगुआजू नामक पानी का झरना स्थित है लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ ऑफ वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा पानी का झरना है ये लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा पानी का झरना है ये इगोवाजू वाटरफॉल इज सिचुएटेड इगोवाजू नामक पानी का झरना स्थित है अच्छा ये पानी का झरना दो देशों के बॉर्डर पर है अर्जेंटीना प्लस ब्राजील ये ब्राजील प्लस अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है लिख लो दिस वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ द अर्जेंटीना एंड ब्राजील ये पानी का झरना अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर स्थित है अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर स्थित है कौन सा इगुआजु वाटरफॉल अब देखो ये है परागुवे नामक देश इसकी कैपिटल लिख लो राजधानी जब आएगी तो बस आप ही जैसे कुछ शिकारियों की ठीक हो पाएगी एस्पिरेंट्स की एसनशियन कैपिटल ऑफ द परागुवे एसनशियन परागुवे की राजधानी एसनशियन कैपिटल ऑफ पराग्वे एसनशियन ठीक है एसनशियन एक और बात पूरे साउथ अमेरिका में सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। यही नोट बना के लिख लेना अपने नोट्स में देयर आर ओनली टू लॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दक्षिणी अमरीकी महाद्वीप में सिर्फ दो ही लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं भू आविष्ठित देश भू आविष्ठित देश लॉक्ड कौन कौन से पराग्वे और बोलिविया पराग्वे और बोलीविया देयर आर ओनली टू लॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका और दक्षिणी अमरीका में सिर्फ और सिर्फ दो ही लैंडलॉक्ड कंट्री हैं यानी कि भू आविष्टित देश हैं ठीक है अच्छा अब पराना नदी के क्षेत्र में भी एक ग्रास एक घास की भूमि पाई जाती है पराना नदी के क्षेत्र में भी एक ग्रास एक घास की भूमि पाई जाती है जरा इसका भी नाम देख लेना ये देखो अगर हम बात करें ये पराना रिवर बहकर बेटे यहाँ आ रही थी पराना रिवर बह रही है ये पराना और इस नदी के क्षेत्र में घास की भूमि है ये पेम्पास हरी हरी दिखाई दे रही है पेम्पास पेम्पास तो पेम्पास ग्रासलैंड कहाँ है अर्जेंटीना में मुख्यतः अर्जेंटीना नामक देश में ये नीचे वाला देश बैठे अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना में है पेम्पास तो पेम्पास नामक घास की भूमि कहां है साउथ अमेरिका दक्षिणी अमरीका साउथ अमेरिका दक्षिणी अमरीका रोमिला माथुर जी नमस्कार बच्चे और सब कहाँ रह गए बेटा थ्योरी वाली क्लास में बच्चे अक्सर एम के कंपेरिजन में कम होते हैं इसीलिए यूट्यूब पर ज़्यादातर जो होते हैं टीचर वो एम लेकर आते हैं क्योंकि तो उन्हें लगता है कि नहीं एम में ज़्यादा मतलब बच्चे देखते हैं या फिर ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन अपना ऐसा कोई मतलब नहीं है अपना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य सही देना चाहे वो आपको एम में दिया जाए या फिर आपको थ्योरी में भी दिया जाए क्योंकि एम तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपकी थ्योरी के ऊपर पकड़ो मैं फिर कह रहा हूँ ठीक है जो लोग अपना रास्ता अपने हिसाब से अलग मतलब सुनते हैं वो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँचते लेकिन रास्ता आपने सही चुनाओ क्यों क्योंकि आसान रास्ते पर भीड़ बहुत है ट्रैफिक बहुत है बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर बेटा स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी लेकिन जो रास्ता मुश्किल है और जो रास्ता सही है उस पर लोग बहुत कम हैं उस पर लोग बहुत कम है तो वहाँ बेटे क्या है कि हाईवे बिल्कुल बढ़िया है ठीक है टॉप गियर ढलेगा हालांकि मुश्किल आएगी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी उसमें क्योंकि तो वो आप ए, एक एकदम अलग मतलब रास्ते पे चल रहे हैं ठीक है तो इसलिए सही रास्ता चुनो तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अभी जैसे अभी आप लोग पच्चीस तीस तब भी हो अगर आप एक भी नहीं होते तब भी मैं मतलब ऐसे पढ़ा रहा होता ठीक है क्योंकि हमें मतलब पता है कि क्या आपके लिए सही है आज नहीं तो एक साल में दो साल में चार साल में बच्चा कभी तो इम्पोर्टेंस समझेगा और आप देखो अपनी पूरी ज़िंदगी में उसी इंसान के पास मतलब वापस जाते हैं जिस इंसान ने आपको सही बताया हो या फिर सही राहत दिखाई हो चाहे बेशक उसने आपकी कितनी भी बेजित की हो आपको बाद में समझ में आता है कि नहीं ये हमारा वेल विशर है ये हमारा शुभ है ठीक है चलो अब यही देखो ग्रैन चेको नामक भी एक घास की भूमि यही है लिख लो ग्रैन चेको साउथ अमेरिका में ही है ग्रैन चेको और ये दो देशों में है पराग्वे प्लस ब्राजील लिख लो ग्रेन चेको नामक घास की भूमि भी साउथ अमेरिका में है दो देशों में पराग्वे प्लस ब्राजील थैंक यू बेटे सबलू पराग्वे प्लस ब्राजील ग्रैंड छेको देख रहे हो कैसे कैसे नाम है ग्रैंड छैको चलो चार घास की भूमि देखिए आपने इसमें पूरे साउथ अमेरिका में ये यहाँ की कुछ रिवर्स कुछ खास नदियां थी अब डालो हैडिंग इम्पोर्टेंट लेक्स इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलें इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलें लेक्स रिवर्स के बाद अब करो लेक्स यस बेटे प्रोमिला इतना पैसा कहा है बेटा मेरे पास ये लिख लो झील लेक मेरा काइबो मेरा काइबो झील लेक मेरा काइबो मेरा काइबो झील एग्जाम में बहुत बार आई है साउथ अमेरिका की कौन से देश में है तो वेनेजोला कौन से देश में है लेक मेरा गायबो वेनेजोला वेनेजोला तो वेनेजोला नामक देश में लेक मेरा का इट इज अ फ्रेश वाटर लेक यह एक मीठे पानी की झील है इट इज अ फ्रेश वाटर लेक यह एक मीठे पानी की झील है इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है एंड इट इज़ फेमस फॉर ऑयल रिजर्व और ये झील तेल के भंडार के लिए मशहूर है इट इज़ फेमस फॉर ऑयल रिजर्व और ये झील तेल के भंडार के लिए मशहूर है अच्छा नोट बनाकर यहाँ पॉइंट लिख लेना अंजलि चौधरी बेटे हेलो वेनेसुला हैज़ द हाइएस्ट ऑयल रिजर्व इन दर्ल्ड पूरे विश्व में तेल के सबसे ज्यादा भंडार वेनेजुला में ही पाए जाते हैं अब क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही छपे छपाए बेटा बता रहा हूं मैं असल में क्या है देखो थ्योरी की क्लास है फसल बोना और एम की क्लास है फसल को पकाना और आपका सिलेक्शन है फसल काटना ये तीन स्टेप है, है क्या कि आप सीधे फसल काटना चाहते हो ना बोना चाहते हो ना उसमें पानी देना चाहते हो ना सिंचाई करना चाहते हो ना फसल को पकाना चाहते हो सीधे काटना चाहते हो लता बिल्कुल सो गई थी तू बेटा सो जो सोएगा वो खोएगा सो बेटा तुम सब सो बेटे सो टीचर पागल है आएगा पढ़ाएगा तुम सो सब हाँ तो विश्व का सबसे ज्यादा तेल का भंडार कौन से देश में बेटे पाया जाता है वेनेजोला में पाया जाता है कैपिटल ऑफ वेनेजोला कैराकस लिख लेना वेनेजोला की राजधानी कैराकस कैपिटल ऑफ इज कैराकस वेनेजुला की राजधानी है कैराकस कैराकस नाम तो ऐसे ही है बार बार याद करना अगली झील अगली लेक अगली लेक अगली लेक अगली लेक अगली लेक अगली लेक ओके चल गई लेक पुपो लेक पुपो पुपो नामक झील लेक पुपो अगली लेक अगली झील लेक पुपो कौन से देश में है बोलीविया में है कौन से देश में है बोलिविया में है इट इज ऑल्सो अ फ्रेश वाटर लेक लेकिन लो ये भी एक मीठे पानी की झील है नाम ऐसे ये बेटे पां पीपो <coughs> गली बता दिए थे तीन बजे लूंगा गिलास <coughs> बहुत बढ़िया नीलेश तो पुपो झील नाम याद रखना बोलिविया में है देश की राजधानी लापाज कैपिटल ऑफ बोलीविया लापास साथ साथ लिखते चलो या अगर बाद में भी लिखना हो तो आराम से नोट कर सकते हो अभी सिर्फ समझो थैंक यू बेटा ऋतु लापास अच्छा लापास को लिख लेना हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित राजधानी वाला शहर हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड विश्व में सबसे ऊंचाई वाला राजधानी वाला शहर विश्व में सबसे ऊंचाई वाला राजधानी वाला शहर हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड ठीक है बेटा आज इस टाइम क्लास कैसे ऐसी बेटा क्योंकि ऋषि सर को बेटे रात को क्लास लेनी थी मेरे टाइमिंग पर उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं शनिवार वाले दिन आपके टाइमिंग पे क्लास लेना चाहता हूँ नौ बजे तो मैं फिर बेटे उनके टाइमिंग पे आ गया तीन बजे सिंपल कभी भी क्लास ले लो क्या फर्क पड़ता है नौ बजे लेता पचास साठ बच्चे देख रहे होते अभी ले रहा हूं उसके आधे मतलब बच्चे देख रहे हैं क्या फर्क पड़ता है बाद में देख लेंगे बच्चे ये तो बच्चों को समझना चलो अगली झील यहीं देखो अगली झील यहीं देखो यहीं खरा देते हैं आपको एक और झील है देख रही अभी भी नहीं देखिए अंदो आंख के अंदो लेक टीटी काका। लेक टीटी काका टीटी काका झील दो देशों के बॉर्डर पर है पेरू प्लस बोलीविया पेरू प्लस बोलिविया नमस्ते बेटे नमस्ते मोरवाल जी पेरू प्लस बोलिविया लेट आ, लेक टीटिकाका टिटिकाका नामक झील दो देशों के बॉर्डर पर स्थित है सीमा पर स्थित है पेरू प्लस बोलिविया इट इज अ फ्रेश वाटर लेक यह भी एक मीठे पानी की झील है फ्रेश वाटर लेक यह भी एक मीठे पानी की झील है एंड इट इज द हाइएस्ट लेक इन दी वर्ल्ड ये विश्व की सबसे ऊंची झील है इट इज द हाइएस्ट लेक इन वर्ल्ड यह विश्व की सबसे ऊंची झील है तो मैंने आपको सभी सबसे बड़ी भी गहराई, सबसे गहरी भी गहराई सबसे लंबी भी गहराई, अब सबसे ऊंची झील है सबसे ऊंची झील है इस इस झील को हनीमून लेक हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है हनीमून लेक हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है हनीमून लेक हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हनीमून लेक इसे हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है अब ये वो वाला हनीमून नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि चलो अब सर ने बता दिया जब नौकरी वोकरी लग जाएगी शादी हो जाएगी तो हम हनीमून के लिए यहाँ जाएंगे ऐसा कुछ है नहीं यहाँ की लोकल भाषा में यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में रीजनल भाषा में से हनीमून झील कहते हैं हो सकता है कुछ होगा वहां पर भाई हनीमून शब्द का मतलब जैसे फ्रेश वाटर मीठा पानी कुछ ऐसा ऐसा तो इसलिए हनीमून के लिए मत पहुँच जाना फिर बाद में बोला रहे सर क्या करवा दिया आपने ठीक है हनीमून के लिए इसलिए चाहना हो तो माल्टा और मालदीव ये दो स्थान अच्छे हैं घूमने घूमने फिरने के लिए भी अच्छे हैं काय है बात का हनीमून ना जिंदगी में हनी है न मून है पता नहीं काय से रख दिया हनीमून चलो काम पे ध्यान दो मन को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है नालायकों चलो साउथ अमेरिका के मैप में यह रहा पेरू नामक देश और पेरू नामक देश की कैपिटल राजधानी है लीमा बोलीविया की राजधानी हमने पहले बता दी थी लापास ठीक है और पेरू देश की राजधानी है लीमा कैपिटल ऑफ पेरू इज लीमा हाँ उज्ज्वल वेरी गुड आपने बेटा बिल्कुल सही समझी है बहुत बढ़िया बात है ये हो गई लेक्स झीलें अब करते हैं डेजर्ट रिवर यानी पहले एक माउंटेन देख लेते हैं आ जाओ पूरे साउथ अमेरिका में एक ही माउंटेन है लिख लो जरा माउंटेन ये रहा वो पहाड़ पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये रहा वो पहाड़ ये देखो कितना लंबा चौड़ा है ये है वो माउंटेन ये है वो पहाड़ पूरे साउथ अमेरिका में एक ही है ये ये वाला कौन सा है ये एंडीज माउंटेन लिख लो तो माउंटेन में लिख लो एंडीज माउंटेन हेडिंग डाल लो साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में एंडीज माउंटेन एंडीज के पहाड़ सही बात है शिक्षा तू ही बेटा पूरी दुनिया में जो मेरे को समझ पाई है हाँ एंडीज पहाड़ लिख लो इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेनियस रेंज इन दर्ल्ड ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेनियस रेंज इन दी वर्ल्ड ये विश्व की दूसरी सबसे सॉरी सॉरी माय मिस्टेक माय मिस्टेक ये लॉन्गेस्ट माउंटेनियस रेंज इन इन दी वर्ल्ड ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है लॉन्गेस्ट माउंटेनियस रेंज इन दी वर्ल्ड एंड इट इज एन यंग फोल्डेड माउंटेन लाइक हिमालय ये हिमालय की तरह नवीन वलित पर्वत है ये हिमालय की तरह नवीन वलित पर्वत है यंग फोल्ड माउंटेन लाइक हिमालय ये हिमालय की तरह नवीन वलित पर्वत है नवीन वलित पर्वत है एंडीज एंडीज की सबसे ऊंची चोटी लिखो हाइएस्ट पीक ऑफ एंडीज एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एंडीज की सबसे ऊंची चोटी ये रही माउंट अखांग गोवा अकांकु गोवा स्पेलिंग दिखाई नहीं दे रही गोवा लिख को माउंट अकांकु गोवा इज द हाइएस्ट पीक ऑफ एंडीज एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकांकु गोवा इंग्लिश में नहीं होगी आनंद भूषण जी और अगर किताब चाहिए तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर कर सकते हैं अमेजन और अगर फ्लिपकार्ट दिक्कत आ रही है तो यहाँ अकेडमी से आपको किताब भेज दी जाएगी आप बेटे कॉल कर लेना आपको सारी इंफॉर्मेशन उस पर दे दी जाएगी हाँ माउंट अकांगो गोवा माउंट अकांगो गोवा माउंट अकांगो गोवा ये कहां पर है अर्जेंटीना में है अर्जेंटीना नामक देश में तो ये देश अर्जेंटीना है यहां पर है माउंट आकांगो को हाइएस्ट पीक ऑफ एंडीज एंड हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका यह दक्षिणी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है ये साउथ अमेरिका यह दक्षिणी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है अच्छा अब देखो ये जो माउंट अकांगो है ना ये ये जो एंडीज माउंटेन है ध्यान रखना एंडीज माउंटेन लिख लो सात देशों में स्थित है एंडीज माउंटेन इज लोकेटेड इन सेवन कंट्रीज लिख लो एंडीज माउंटेन सात देशों में स्थित है एंडीज के पहाड़ सात देशों में स्थित है ये देखो ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो एंडीज माउंटेन आ रहे हैं ये सात देशों में सात कौन कौन से है? वो सात देश तो बिल्कुल लाइन से हैं ये वाला जो देश है ये ये है वेनेजला लोकेशन बताई होगी ध्यान से देखना ये है कोलम्बिया ये है इक्वाडोर ये इसके नीचे बताया था आपको पेरू ये वाला देश है बोलीविया साइड में ये पतला पतला देश है आपका चिली और ये सबसे नीचे वाला देश है अर्जेंटीना अर्जेंटीना इन सात देशों में स्थित है आपका एंडीज माउंटेन सर बीपीएससी के लिए नोट्स लेना है सिक्सटी सेवेंथ कोई बात नहीं बेटे नीचे दिए गए नंबर पे हुसैन जी आप बेटे एक बार कॉल कर लेना क्लास नोट्स आपको बेटे यहां से दे दिए जाएंगे ठीक हाँ मैंने ज्वला कोलंबिया इक्वाडोर पेरू बोलीविया चिली और अर्जेंटीना अच्छा वेनेजुला की कैपिटल बता चुके थे कैराकस कोलंबिया की कैपिटल लिख लो बोगोटा कैपिटल ऑफ कोलंबिया इज बोगोटा कोलंबिया की राजधानी बोगोटा इक्वाडोर की राजधानी लिख लो क्यूटो पेरू की बता दी थी लीमा बोलिविया की बता दी थी लापात चिली की लिख लो सेंटियागो चिली की सेंटियागो और अर्जेंटीना की कैपिटल है प्योनासैरिस प्योनासैरिस कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस एरिस हाँ चिली चिली की तरह स्लिम है बिल्कुल बेटा फिगर पे ज्यादा होता है बेटा तुम्हारा ध्यान है सही है तो ये एंडीज़ के बारे में सारी बातें याद कर लेना सात देशों में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये सुगंधा बोल रही है प्लीज लाइक अरे कर दो लाइक ओ माय गॉड ये सब कैसे याद होगा याद करना आपकी दिक्कत है बार बार पढ़ो आसानी से चलो अब लिख लो डेजर्ट्स रेगिस्तान साउथ अमेरिका में दो डेजर्ट बहुत मशहूर है जहां से क्वेश्चन आएगा दो डेजर्ट है दो रेगिस्तान है डेजर्ट्स रेगिस्तान सबसे पहला डेजर्ट आप लोग लिख लो सबसे पहला रेगिस्तान ये ये साइड से ये वाला कौन है ये अटाकामा याद करो इसमें आया था ये, ये अभी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था हरियाणा सिविल सर्विसेज 2019 का क्वेश्चन था अटाकामा सीधे ऐसे ही आया था सर लाइक ज़्यादा है लाइव कम है थैंक यू सो मच बेटा बस आप लोगों की बेटे दुआ है हाँ अटाकामा डेजर्ट अटाकामा रेगिस्तान कौन से देश में है चिली में है कौन से देश में है चिली में है सही है। लिख लो ये एक हॉट डेजर्ट है ऊष्म हॉट हॉट गर्म है हॉट है ये ड्राइएस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान है शुष्क सबसे सूखा सबसे शुष्क रेगिस्तान है सबसे शुष्क आ, लास्ट ईयर वाले नोट्स में ऐड कर लेना ये सबसे नैरोस्ट डेजर्ट भी है सबसे संकीर्ण या पतला रेगिस्तान भी है नैरोस्ट डेजर्ट सबसे संकीर्ण सबसे पतला रेगिस्तान नैरोस्ट डेजर्ट ठीक अटागामा एक डेजर्ट है साउथ अमेरिका में एक और बहुत मशहूर है क्वेश्चन आता पैटागोनियन डेजर्ट पैटागोनियन रेगिस्तान लिख लो पैटागोनियन पैटागोनियन पूरा नाम है पैटागोनियन डेजर्ट पैटागोनियन रेगिस्तान कहा है ये अर्जेंटीना पैटागोनियन कहाँ है अर्जेंटीना नामक देश में अर्जेंटीना कैसा डेजर्ट है ये कोल्ड डेजर्ट है शीत रेगिस्तान है ठंडा रेगिस्तान है हेलो बेटे निहार का ठंडा रेगिस्तान है कोल्ड है ये कोल्ड ठंडा और लिख लो इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है एंड सेकंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन दी वर्ल्ड और ये विश्व में ठंडे रेगिस्तानों में दूसरा सबसे बड़ा है एंड सेकंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन दी वर्ल्ड और ये विश्व में ठंडे रेगिस्तानों में दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला सबसे बड़ा कौन सा था गोभी डेजर्ट गोभी डेजर्ट तो पैटागोनियन ये नीचे है और ये यहाँ चिली में आटा काम है बस लोकेशन ये तो याद करनी है और क्या याद करना तुम्हें ठीक है ये तो होगा डेजर्ट अब लिखो साउथ अमेरिका के आइलैंड द्वीप टापू आइलैंड द्वीप टापू और सबसे पहला आइलैंड लिखो द्वीप लिखो फॉकलैंड फॉकलैंड आइलैंड फॉकलैंड कहा स्थित है अटलांटिक ओशियन में है ये अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है वेरी गुड सिमी ऑकलैंड दिस डिस्प्यूट बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके ये रेगिस्तान अर्जेंटीना और यूके के मध्य विवादित है थैंक यू बिटे ना दिस डेजर्ट इज डिस्प्यूट बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके ये रेगिस्तान अर्जेंटीना और यूके के मध्य विवादित है यूके के मध्य विवादित है अर्जेंटीना एंड यूके बट इट कम्स अंडर दिटी ऑफ यूके लेकिन इसके ऊपर यूके का अधिकार है बट इट कम्स अंडर दिटी ऑफ यूके लेकिन इसके ऊपर यूके का अधिकार है ठीक तो यूके नामक देश इसके ऊपर कब्जा है चलो अगला लिखें, अगला डेजर्ट देखो बहुत ही ध्यान से देखना होगा आपको ये है टियरा डेल फ्यूगो अगला आइलैंड अगला टापू डेल फ्यूगो ऐसे ही पूछा जाएगा सर वॉन्ट टू क्रैक एग्जाम अरे डेफिनेटली होगा बेटा क्रैक क्रैक का आप पोस्टमार्टम करेंगे सब कुछ बेटे पंचनामा करेंगे एग्जाम का टीयरा डेल फ्यूगो सब याद होगा बेटा देख सिमी को याद हुआ है शिवानी को याद हुआ है सबको याद हुआ है तेरे को भी होगा बेटा चिंता मत कर सर पे विश्वास है बार बार रिवीजन कर बस वीडियो को बार बार देख हमारा एक दो बेटे व्यू भी बढ़ जाएगा गुड निहार का टीरा डेल फ्यूगो आइलैंड है साउथ अमेरिका का है ये ये नीचे वाला आइलैंड है ये ये आइलैंड दो कंट्रीज का अधिकार है इसके ऊपर एक तो अर्जेंटीना और एक चिली लो दिस आइलैंड कम्स अंडर द दिटी ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली मैप के साथ एक ऑक्सफोर्ड स्कूल का मैप देख लेना अर्जेंटीना एंड चिली तो दो देशों में है अर्जेंटीना में और चिली में चिली। अच्छा ये आइलैंड है और यह आइलैंड के पास एक स्ट्रेट है जलसंधि है जो कि अटलांटिक ओशियन को अटला थोड़ा मैं छोटा करूं और बढ़िया समझ में आएगा हाँ यह आइलैंड है और यह एक स्ट्रेट है जल संधि है कौन सी जलसंधि है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। बहुत फेमस है स्टार बना लो इस पर अपने नोट्स में मैगलन की जलसंधि है ये मैगलन की जलसंधि है ये स्टेट ऑफ मैगलन यहीं पर है साउथ अमेरिका के सबसे नीचे तो ये मैगलन की जल संधि जोड़ती है मैगलन की जलसंधि जोड़ती है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर को इस ओशियन के साथ कौन सा ओशियन है ये ये अटलांटिक ओशियन है ये अटलांटिक महासागर है लिख लो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ट्रिकी है मेहनत करनी पड़ती है बेटा जितना ऊंचा एग्जाम जितना ऊंचा मकाम उतनी बेटे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चे ओशियन तो दिस स्ट्रेट कनेक्ट्स एटलांटिक ओशियन विद पैसिफिक ओशियन ये जल संधि प्रशांत महासागर को एटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है स्टेट ऑफ मैगलन तो मैगलन के नाम से एक बेटे नेविगेटर हुए थे यात्री ये तो होगा अच्छा एक आइलैंड और है माय मिस्टेक सॉरी शक्तिमान एक आइलैंड बेटे और है साउथ अमेरिका में एक आइलैंड और है केला और कमजोर लोगों की तरह शब्द को बेटे छोड़ना मत सीखो पूरी कंप्लीटली बोलना सीखो चाहे बेशक शुरुआत में बेटे मिस्टेक करोगे लेकिन चार लोगों में अपमान नहीं होगा बाद में ठीक है जैसे कि अभी सपोज करो आया गैला पैगोज आईलैंड तो क्या होगा जैसे मैंने कई लोगों को मतलब देखा कि मतलब बोल देंगे गैला पेउस ऐसा तो नहीं पेउस नहीं पैगोज हुसैन जी लिखते हैं सर मेरी आज पहली क्लास है बेटा जरा लाइक भी कर दे सब्सक्राइब भी कर दे शेयर भी कर दे अब मैं बेटा वैसे बोल नहीं पाता हूँ कि किस अंदाज में बोला जाता है ठीक है ना तो क्लास अच्छी लग रही है तो ही सब्सक्राइब करियो वरना कोई बात नहीं बेटा हुसैन है हम तो टीचर हैं बेटे यूट्यूबर थोड़ी ना वरना अब हमें उस अंदाज से पढ़ाना नहीं आता ठीक है ना कि भाई ये लगा लो हर बात का एक्सप्लेनेशन लगा लो ये लगा लो टीचर हैं बेटे हम तो तो, तो ये गैला पे ओस नहीं है ये गैला पे गोज है ठीक है तो इंडियन हो इंडियन हो और ऐसा माना जाता है कि प्रोनाउंसिएशन हम इंडियंस का सबसे अच्छा होता है लेकिन कुछ इंडियंस बेटे बिज जिद्दी करा देते हैं तो जब बाहर जाओगे घूमोगे फिरोगे अधिकारी बेटे बनोगे तो पता लगना चाहिए ना कि आप बेटे मेरे स्टूडेंट श्टूडे, हो या ये सब मैंने आपको मतलब पढ़ाया था या आपने कभी बेटे दीवा अकेडमी को थोड़ा बहुत फॉलो करा था मैं अपनी बेटे बीच सह सकता हूँ अपने नॉलेज अपने ज्ञान अपनी टीचिंग अपनी अकेडमी के नाम की नहीं आओ जरा गैला पैगोस आइलैंड है ये थोड़ा और बड़ा कर दें इसको बड़ा करना तो हमारे हाथ में है बेटे गैला पैगोस आइलैंड Kalapagus, ये एक ऐसा आइलैंड है थ्रू आइलैंड थ्रू दिस आइलैंड इक्वेटर लाइन पासिस यहां से जीरो डिग्री लैटीट्यूड इसीलिए ये खास है और एग्जाम में बहुत बार आया है फाइव स्टार वाला बेटा ये फाइव स्टार वाला बेटा ये कैला भूमध्य रेखा पर स्थित है इक्वेटर पर जीरो डिग्री लैटिट्यूड जीरो डिग्री अक्षांश रेखा ये आइलैंड बहुत सारे स्पेसीज जीव जंतु जानवरों के लिए मशहूर है जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी तो यहां पर बहुत ज्यादा विविधता है सबसे ज्यादा जीव जंतुओं की स्पेसीज यहीं पाई जाती हैं, ठीक है गैला आइलैंड पर चार्ल्स डोरविन ने स्टडी की थी लेकिन इट इज फेमस फॉर द रिसर्च ऑफ चार्ल्स डॉर्विन चार्ल्स डोरविन ये चार्ल्स डॉर्विन के शोधों के लिए मशहूर रहा है अध्ययनों के लिए मशहूर रहा है लगभग 20 से 25 साल एनवायरमेंटलिस्ट जो थे बेटे चार्ल्स डोर्विन उन्होंने यहां पर अपना बेटे अध्ययन किया गैला पैगोस आइलैंड पर यह क्वेश्चन भी आ चुका है चार्ल्स डॉर्विन का नाम आप सभी ने सुना होगा वो भी चार्ल्स डॉर्विन और मेरे अंदर एक सिमिलेरिटी है जैसे मैं भी कभी कभार बेटे बोलते बोलते अटक जाता हूं मतलब स्टैमरिंग की दिक्कत है वैसे चार्ल्स डॉर्विन को भी स्टैमरिंग की दिक्कत थी महान लोगों को अक्सर कुछ ना कुछ बेटे खामियां रहती हैं ठीक अब हम हैं या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन ये तो वाक भाई बहुत महान थे सर हम तो अपने घर के सारे मोबाइल से दीवा अकेडमी को सब्सक्राइब किए हैं अरे भाई थैंक यू सो मच बेटा अब बेटा रुलाएगी क्या रुलाएगी या रुलाएगा क्या बेटा पता नहीं बेटा आप हुसैन मदनबी आप रुलाएगा या रुलाएगी ये और बता दो बेटा आप हा अच्छा केला पैगोस आइलैंड के ऊपर इक्वाडोर नामक देश का अधिकार है इक्वाडोर यह है वो देश इक्वाडोर छोटा सा इक्वाडोर नामक देश का अधिकार है इक्वाडोर और इसकी राजधानी मैंने क्या बताई थी अभी थोड़ी देर पहले क्यूटो क्यूटो यस स्विटेन का मैं हर दिन लाइव क्लास लेता हूं लेकिन मेरी हर दिन की टाइमिंग रात को नौ से बारह बजे की होती है नाइन टू ट्वेल्व तो वो स्लॉट आप अपने जीवन में नोट कर लो कहीं डायरी में के नौ बजे का मतलब दीपक सर है मेरी लाइफ में ठीक उस टाइम पे कोई और भी लाइफ में हो तो हटा देना हाँ ये आइलैंड गैला पैगोस ओशियन में है प्रशांत महासागर में है पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर में ये भी क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा जा सकता है पैसिफिक ओशियन में है प्रशांत महासागर में है गैला पैगोज शब्द का मतलब लिख लो ये भी आ चुका है गेला का मतलब होता है जाइंट यानी लार्ज बड़ा पेगोज का मतलब होता है टोटॉइज यानि कचुए तो गैला पेगोज लार्ज टोटॉइज बड़े कछुए तो लेकिन दिस आइलैंड इज फेमस फॉर लार्ज टोटॉइज ये द्वीप बड़े बड़े कछुओं के लिए मशहूर है यहाँ बहुत बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं चार सौ किलो पाँच सौ किलो छः सौ किलो इतने इतने बड़े कछुए है बेटे बहुत बड़े बड़े कछुए एक एक ट्रक में एक एक कछुआ आता है कल मेरे भाई ने पूछा करंट को कैसे बढ़ू मैंने उसका फ़ोन लिया और दीवा अकेडमी को सब्सक्राइब कर दिया बस सिंपल थैंक यू बेटा नीलेश क्या बात है ये तो आप वैसे बेटे ऐड कर रहे हैं जैसे कि वो नहीं होता अब मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया लॉकडाउन में कैसे करूँ तो पेटीएम है ना पेटीएम से करें है ना चलो नाउ टाइमिंग 8 पीएम टू इलेवन पी कर दिए लेकिन अभी 9 से 12 ही रखेंगे बेटा उसको एक दो दिन वो 8 बजे वाले ले लेते हैं क्लास लेकिन 9 बजे ही रखेंगे उसको ये आइलैंड थे कहा साउथ अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के ये थे पहले आइलैंड और ये थे आपके द्वीप ठीक है अच्छा अब आप लिख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण बातों में पहला बात बेटे यहाँ पे लिख लो एक शहर है साउथ अमेरिका में डालो रियो डी रियो डी रियो के नाम से जाना जाता है इस शहर को ब्रैकेट में लिख देना कहां पर यह शहर ब्राजील ब्राजील वही बेटे ब्राजील रियो।, रियो रियो ब्राजील में है अच्छा ये शहर किस बात के लिए मशहूर है ये दो बात के लिए मशहूर है ब्राजील में यहाँ पे अर्थ हुए अर्थ सम्मिट हुए हैं पृथ्वी सम्मेलन दो हुए हैं इतिहास में दोनों के दोनों रियो में हुए हैं अर्थ सम्मिट और दो अर्थ सम्मिट हुई हैं पहली 1992 और दूसरी 2012 2012 ट्वेल्व दो हजार उन्नीस और दो दो अर्थ सम्मिट हुए हैं पृथ्वी सम्मेलन इतिहास में दो हुए हैं पहली नाइनटीन और फिर बेटे उन्नीस 1900... बारह यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अच्छा अर्थ सब्मिट अच्छा बारह में दोनों ही रियो में हुए हैं दो हजार बारह में जो सब्मिट हुई थी वो बीस साल के बाद हुई थी इसीलिए दो हजार बारह वाली सबमिट को कहते हैं रियो प्लस ट्वेंटी एनवायरमेंट और इकोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है रियो प्लस ट्वेंटी तो अगर आपसे पूछा भी जाए एग्जाम में वार्ड वॉज या वार्ड इज रियो प्लस ट्वेंटी रियो प्लस ट्वेंटी क्या है तो दूसरी अर्थ सम्मेट दूसरे पृथ्वी सम्मेलन को रियो प्लस बीस कहा गया अच्छा ये जो शहर है रियो डी छो इट इज फेमस फॉर द कोपा काबाना बीच कोपा काबाना नामक समुद्री किनारा है यहां कोपा काबाना बीच एक बहुत मशहूर बीच है यहां पे अक्सर डांस वगैरह होते हैं ठीक है ना कार्निवल होता है फेस्टिवल होता है अलग अलग एरिया से ट्राइवल्स भी आते हैं छंझा उड़ी बाबा ओडी बाबा इस प्रकार से बेटा सर मैं लड़की हूँ मेरा नाम आ, इंडियन मोना है बहुत अच्छा नाम है जी वेरी गुड आपका हाँ अच्छा ब्राज़ील में एक और शहर है आप यहीं लिख लो साओ पोलो ब्राज़ील का ही शहर साओ पोलो यहीं रियो के पास है साओ पोलो लिखो दिस सिटी इज़ फेमस फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन वर्ल्ड यह शहर विश्व में कॉफी के उत्पादन के लिए मशहूर है फेमस फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन वर्ल्ड यह शहर विश्व में कॉफी के उत्पादन के लिए मशहूर है आओपोलो एक शहर यहीं और है सेंटोस ब्राजील में ही एक और शहर है सेंटोस संतोष नहीं सेंटोस इसे कहते हैं कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड विश्व में कॉफी का बंदरगाह कॉफी पोर्ट कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी का बंदरगाह यानी पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कॉफी का कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है तो वो यहां सेंटो से बिटे किया जाता है कॉफी पोर्ट अच्छा पूरे विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है ब्राज़ील ठीक है और ब्राजील को कहा जाता है शुगर बोल ऑफ दी वर्ल्ड लिख लो ब्राजील को विश्व में चीनी का कटोरा भी कहा जाता है शुगर बोल ऑफ दी वर्ल्ड विश्व में चीनी का कटोरा भी कहा जाता है अच्छा ब्राज़ील में कॉफ़ी गार्डन्स को कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है ये क्वेश्चन आ चुका है स्टार बना लो इन ब्राज़ील कॉफी गार्डन्स आर कॉल्ड एज फेजेंडा ब्राजील को विश्व में कॉफी के सॉरी कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है फेजेंडा पूनम यादव गुड इवनिंग बहुत जल्दी बेटा तेरे को याद आ गई आज ये क्लासे हैं एक घंटा हो गया क्लास को तब बेटा तेरे को याद है ये मैप ये वर्ल्ड जोग्राफी अच्छे से कर लेना अब इसके हवाओं वाला टॉपिक आएगा तो अच्छे से राजेंद्र खोगर जी आप पंजाब से हैं स्वागत है बेटा आपका अच्छा एक शहर है ये कैपिटल ऑफ चिली सेंटियागो ये रही सेंटियागो ये भी शहर लिख लो इम्पोर्टेंट फैक्ट में सेंटियागो 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 कोई और इससे भी अच्छा मैप है कोई मटक मटक ये भी सही है इसको ले लेते हैं ये मैं सही लग रहा हूं मुझे हाँ तो ये जो है चिली नामक देश इसकी राजधानी है सेंटियागो सेंटियागो दिस सिटी इज फेमस फॉर द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ये शहर भूमध्य सागरी जलवायु के लिए मशहूर है भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए मशहूर है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट समझाया था ना बेटे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है यहाँ पर बेटे रसेदार फल रसेदार फल का बेटे उत्पादन होता है खट्टे वाले खट्टे वाले बेटा ठीक खट्टे जो बेटे होते हैं फल उसका न कौन से शहरों में क्षेत्रों में भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है जैसे कैलिफोर्निया सेंटियागो वहां पर बेटा यूरोप में फ्रांस वगैरह ये कुछ चार पांच स्थान जो फेमस है याद रखो बेटा इसी से आपका मतलब क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है सर कीर्ति को भी भीट हाँ बेटा कीर्ति खा रहे रहेगी बेटा है खा रहे थी तू बेटा आप खुश ठाट दिया मैंने ठीक चल लेट मत हुआ करो नालायक अगला बेटा फैक्ट जरा आप मतलब एक एक यहां सबसे नीचे एक शहर है पुंटा एरीना पुंटा एरिना चिली नामक देश में है ये पुंटा एरीना ले, ले ले ना एक शहर का नाम याद कर लो साउथ मोस्ट इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड, पुंटा एरीना साउथ मोस्ट इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ऐसा शहर ऐसा दक्षिणतम शहर ऐसा दक्षिणतम शहर जो लोगों के द्वारा बसा हुआ हो साउथ मोस्ट इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड पूरे विश्व में ऐसा दक्षिणतम शहर जो लोगों के द्वारा बसा हुआ हो जो लोगों के द्वारा बसा हुआ हो तो यानी कि लोग इससे नीचे कोई शहर नहीं है जहाँ लोग रहते हों विश्व में पुंटा एरिना ध्यान रखना बेटा कल भी क्लासेस नहीं ले पाई थी हाँ बेटा मौज में आजकल तू क्यों तो तो क्लास लेगी है सबको ज्यादा बेटा तेरे को अब बेटा तेरे को सर की कहां आवश्यकता अच्छा एक शहर आप इसमें और लिखें एक छोटा सा शहर भी है आइलैंड भी है छोटा सा आइलैंड भी है शहर भी है यहां लिख लो कोरू आइलैंड इंपॉर्टेंट फैक्ट में कोरू आइलैंड कोरू नामक द्वीप ये अटलांटिक ओशियन में है अटलांटिक महासागर में है अटलांटिक ओशियन में है अटलांटिक महासागर में कोरू आइलैंड कोरू नामक द्वीप दिस आइलैंड कम्स अंडर ऑथोरिटी ऑफ फ्रेंच गुआना इसके ऊपर फ्रेंच गुआना नामक देश का अधिकार है फ्रेंच नामक देश का अधिकार है, इट कम्स अंडर दिटी ऑफ फ्रेंच गुआना दईवी गुड इवनिंग बेटा फ्रेंच गुआना नामक देश का अधिकार है एंड दिस आइलैंड इज फेमस फॉर द सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन और ये द्वीप सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र के लिए मशहूर है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए मशहूर है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए मशहूर है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन अच्छा इंडिया भी यहाँ से अपनी बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करता है इसीलिए कॉरू आइलैंड को याद कर लेना अब जब करंट अफेयर में कभी ऐसा आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कॉरू आइलैंड साउथ अमेरिका में है और अटलांटिक ओशन में फ्रेंच गुआना नामक देश का अधिकार है फ्रेंच गुआना नामक देश के ऊपर किसका अधिकार रहा है फ्रांस यानी आज भी भाई ये फ्रांस की ऑथोरिटी में है ठीक है अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये देखो ये देश आपको दिखाई दे रहा होगा उरुग्वे ये देश है उरुग्वे उरुग्वे लिख लेना फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप वॉर्न बाय उरुग्वे पहला फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे के द्वारा ही जीता गया था कब हुआ था फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 1930 तो so, जो विश्व में 1930 1930 में विश्व का जो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसे थैंक यू बड़ा कीर्ति 1930 में उरुग्वे नामक देश ने जीता था पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कैपिटल ऑफ उरुग्वे मॉन्टे उरुग्वे की कैपिटल राजधानी है मॉन्टे कैपिटल ऑफ उरुग्वे मॉन्टे उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टे कैपिटल ऑफ उरुग्वे मॉन्टेविडियो उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो मॉन्टे वीडियो ठीक है चलो तो ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट था सारी महत्वपूर्ण तो बातें थी जो भी साउथ अमेरिका से आपके क्वेश्चन बिटे बन सकते हैं हमने सब कुछ आपको बताया लेटिन अमेरिका ये अमेरिका साउथ अमेरिका पूरा का पूरा कंप्लीट जैसे कि मैंने कहा था कि एक ही क्लास में बेटे सब कुछ करा दूंगा आपको बिल्कुल परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी इस साउथ अमेरिका को अच्छे से कर लेना बाकी इसका फ़ायदा हमें और तथा बेटे मिलेगा कि जब हम इसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे उस समय हमें इसका फ़ायदा और ज़्यादा होगा ठीक है तो एक लॉन्ग सेशन एक लंबा सेशन काफ़ी बच्चे लेट आए कोई बात नहीं जिसकी लाठी उसके भैंस वाला ऋतु मजा आ गया नीले जी थैंक यू बेटा सो मच ऐसे ही एक सेशन के साथ हम कल भी आ सकते हैं तो कल अगर करेंगे तो आज जैसे साउथ अमेरिका करा है तो कलम पूरा एक आप, अब आपके सिर्फ दो ही छोटे छोटे कॉन्टिनेंट रह गए ऑस्ट्रेलिया और बेटे अंटार्क्टिका तो कलम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट करेंगे बेटा ठीक है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलिया नामक महाद्वीप होगा कल आ, इसी टाइमिंग पर रखेंगे क्योंकि कल रात को तो आपका बेटा वीकली एमसीक्यू का होगा टेस्ट ठीक है वीकली एमसीक्यू होगा कल रात को नौ बजे वीकली एमसीक्यू होगा नौ बजे साप्ताहिक एमसीक्यू का जो होता है टेस्ट वो वाला बेटा टेस्ट कल आपका रात को नौ बजे रखा जाएगा तो कल मैं सिर्फ एक क्लास तो ये नौ बजे वाली लूंगा आपकी ठीक है और 10 पी एम दस बजे नहीं नहीं एक काम करते टाइमिंग थोड़ा चेंज कर लेते नाइन पी एम नौ बजे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट करेंगे कल वर्ल्ड जोग्राफी में तो भारी से भारी मात्रा में आना यही थ्योरी होगी और टेन पी एम दस बजे आपका बेटे होगा वीकली एमसीक्यू टेस्ट करंट अफेयर वीकली आपता है कल ठीक है तो रेडी रहना कल ये मेरी दो क्लास होंगी नौ बजे और दस बजे और आज रात को अब एक क्लास होगी नौ बजे ऋषि सर लेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज में जितने भी 2019 हो या 2014 जीएस का पेपर हो उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस पेपर का क्या पी सी एस का लेवल रहेगा नेहा शर्मा डेली मेरी टाइमिंग रात को नौ से बारह की होती है बेटा लेकिन शनिवार संडे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती मैं कभी भी बेटे आ जाता हूँ अमनदीप कौर नेशनल इनकम के लिए कलम समय निकाल सकते हैं दोपहर में तो उसके लिए मैं जानकारी प्रदान कर दूंगा अगर राष्ट्रीय हम करेंगे कल तो बेटे उसके लिए हम जानकारी ले लेंगे ठीक है और बाकी एक आपको कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी मतलब मिल सकता किसी का भी मतलब मिल जाएगा उसके लिए इतना परेशान आपको होना नहीं है ठीक है चलो बाय बाय ये सारी पीडीएफ आपको दीवा अकेडमी के टेलीग्राम पे अभी मिल जाएंगी ठीक बाय बाय बेटा थैंक यू सो मच अच्छे से पढ़ें वर्ल्ड जोग्राफी की प्ले अलग से बनी हुई है टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हाँ बेटा है हरियाणा बिल्कुल एन वाले बैच के बच्चों की अभी आ, क्लास होगी पाँच पाँच बजे के आसपास यहाँ पे छह जब भी रजिस्टर लेंगे साइंस की ठीक है और बी वाले जो मतलब बच्चे हैं उनकी भी बेटे होगी क्लास केमिस्ट्री की थैंक यू